हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अमित पुरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप को लेकर। व्हाट्सएप को लेकर कन्फ्यूजन चल रही है, एक सस्पेंस है कि क्या व्हाट्सएप बंद हो रहा है, क्या सरकार ने व्हाट्सएप को लेकर कोई नियम बना दिए हैं, क्या व्हाट्सएप यूज़ करना सेफ है या अब इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इसके बाद सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये सारा इशू शुरू हुआ है व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर। जो व्हाट्सएप एक नई पॉलिसी लेकर आ रही थी, वह उसे 8 फरवरी 2021 से लागू करना चाह रही थी। तो इसमें इशू ये आया है कि हर कंपनी अपनी पॉलिसीज़ को कुछ ना कुछ टाइम बाद अपडेट करती हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं और हम सब डेली रूटीन में करते हैं कि जब भी हम प्ले स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो जब भी हम ऐप इंस्टॉल करते हैं, कई कंपनियां, कई ऐप्स कई तरह की टर्म्स एंड कंडीशन और परमिशंस मांगती हैं, और हम आम तौर पर ज़्यादा बॉदर किए बिना चुपचाप उसको अलाउ करके ऐप को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। पर दोस्तों, जब हम टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब परमिशंस को अलाउ कर देते हैं, तो होता क्या है, हमें उनकी सर्विसेज तो मिल जाती हैं। जो यूज़र्स हैं वो फ्री सर्विस में तो इंडल्ज हो जाते हैं कि फ्री सर्विस मिल रही है यार, चलो अच्छा है, अपना काम चल रहा है। लेकिन लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते जो हमारी वाइटल इन्फॉर्मेशन है। कंपनीज उनका करती क्या है, कंपनीज कोई नहीं सोचता कि कंपनीज फ्री में सर्विस क्यों दे रही हैं। हमें कोई नॉलेज नहीं होती, लोगों का ध्यान सिर्फ फ्री की सर्विस लेने पर होता है, और कंपनीज कुछ ना कुछ अपने बिजनेस के लिए चुपचाप पर्दे के पीछे करती रहती हैं। दोस्तों, एक्चुअल में सारी कंपनीज लगभग कुछ ना कुछ समय बीतने के बाद अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को अपडेट करती रहती हैं, और उसी तरह इस बार व्हाट्सएप भी एक नई अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया, जिसे वह 8 फरवरी 2021 से लागू करना चाह रहा था। लेकिन इशू क्या हो गया कि उसने यह इसमें टर्म्स एंड कंडीशन ओपनली डिक्लेयर कर दी, और जिससे लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया, और इसको लेकर कई तरह की अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। जैसे कि दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो व्हाट्सएप है उसकी पेरेंट कंपनी है फेसबुक। जो व्हाट्सएप अपनी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया है, उसमें उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया है कि वह जो इन्फॉर्मेशन है, यूज़र्स इन्फॉर्मेशन है, वह फेसबुक के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इससे हुआ क्या है कि लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो गया है। अपनी पॉलिसी में व्हाट्सएप ने यह भी डिक्लेयर किया है कि वह हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सिग्नल स्ट्रेंथ, बैटरी डेटा, ऐप वर्जन, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी यूज़र्स की लेना चाहेंगे, जिस चीज़ को लेके लोगों में काफ़ी डर पैदा हो गया और कई तरह की अफवाहों का बाज़ार गर्म हो गया। व्हाट्सएप की ऐसी पॉलिसी आने पर लोगों में यह संदेह पैदा हो गया कि कहीं व्हाट्सएप ऐसा तो नहीं करेगी कि जो लोगों की चैट हिस्ट्री है, लोगों की जो कॉल हिस्ट्री है, लोगों का जो व्हाट्सएप डेटा है और लोगों का जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड है, कहीं वो उसे फेसबुक के साथ कनेक्ट ना कर दे, कहीं वो उसे फेसबुक या थर्ड कंपनीज के साथ शेयर करके फेसबुक या किसी और कंपनी के सर्वर्स पे रिकॉर्ड करना शुरू कर दे। क्योंकि दरअसल फेसबुक आज से पहले कभी तक ऐसा नहीं करता था कि वह किसी का भी डेटा अपने सर्वर पर रिकॉर्ड करता हो, लेकिन सबको पता है कि फेसबुक के पास ये कैपेसिटी है कि वो सबका रिकॉर्ड अपने सर्वर्स पर मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा होने पर जब लोगों को ये संदेह हुआ और जब अफवाहें चली और ऐसे करयास लगाए गए कि ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है, तो लोगों ने भी गुस्से में आकर व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया और इसकी जगह दूसरी ऐप्स जैसे टेलीग्राम, सिग्नल को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप को लेकर सबसे बड़ा गुस्सा और सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ को लेकर क्रिएट हो गया, क्योंकि इस बार व्हाट्सएप ने जो एक ऑप्शन होती है लोगों को कि वो चाहे परमिशंस को एक्सेप्ट करें या डिक्लाइन करें, व्हाट्सएप ने इस बार इस ऑप्शन को ही हटा दिया। उसने यह ज़रूरी कर दिया कि आपको यह ऑप्शन एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ गया। इससे हुआ यह है कि अगर लोग व्हाट्सएप की पॉलिसी को एग्री नहीं करते तो उनको अपने अकाउंट से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा होने पर लोगों को लगा कि व्हाट्सएप कंपनी लोगों के साथ धक्केशाही कर रही है, और वह ज़बरदस्ती लोगों से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन मनवा कर जो व्हाट्सएप अकाउंट पे जो लोगों का डेटा है उसे फेसबुक व दूसरी कंपनीज के साथ शेयर करना चाहती है।
इसी गुस्से की वजह से लोगों ने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाने की तैयारी की, जैसे टेलीग्राम और सिग्नल की एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अपने इतने बड़े नुकसान को होते देख व्हाट्सएप कंपनी ने अपनी क्लैरिफिकेशन दी, अपनी सफाई दी और उन्होंने सामने आके कहा कि व्हाट्सएप ऐसा कोई काम नहीं कर रहा, वह यूज़र्स की किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को ना ही फेसबुक के साथ शेयर कर रहा है, ना ही थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के साथ यूज़ कर रहा है जिससे यूज़र्स को नुकसान हो। उसने यह श्योरिटी देने की कोशिश की कि जैसे पहले इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा होता था वैसे का वैसे ही इनक्रिप्टेड फॉर्म में है और आगे भी वैसे ही रहेगा। यूज़र्स की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ कहीं पे भी कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। व्हाट्सएप ने यह भी बताने की कोशिश की कि वह जो न्यू पॉलिसी लेकर आ रहे थे उसको लेकर गलत तरह की अफवाहें बाजार में फैलाई गई हैं, गलत तरह की इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया गया है। यह पॉलिसी वह सिर्फ इसलिए लेके आए हैं ताकि कंपनी थोड़ा सा अपना बिजनेस बढ़ा सके और यूज़र्स को एक बढ़िया क्वालिटी की इम्प्रूव्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। देखा जाए तो हुआ यह है कि इस बार व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को ओपन करके पब्लिक कर दिया है, जिसमें उसने बहुत सारी चीज़ें ओपनली डिक्लेयर कर दी हैं। लेकिन कई बार होता क्या है, जो दूसरी कंपनीज हैं वो इन चीज़ों को हिडन ही रखती हैं, कंसील करके रखती हैं, सब कुछ ओपनली नहीं होता, तो जो यूज़र्स हैं वह भी ज़्यादा बॉदर नहीं करते, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके परमिशंस अलाउ करके ऐप्स को चुपचाप यूज़ करते रहते हैं और चुपचाप पर्दे के पीछे कंपनीज भी जो हैं वो अपना बिजनेस करती रहती हैं। लेकिन इस बार यह सारी कन्फ्यूज़न, यह सारा सस्पेंस इसलिए क्रिएट हो गया क्योंकि व्हाट्सएप की जो सारी टर्म्स और कंडीशन है और जो सारी परमिशंस थी वो उसे पब्लिक में ले आए और उन्होंने उसे डिक्लाइन करने की ऑप्शन ही नहीं दी, उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर वो ऐसा ना करते तो शायद ये इतना कन्फ्यूजन, शायद ये इतना सस्पेंस होता ही ना, जैसे वह पहले काम कर रहे थे वैसे ही करते रहते। लेकिन इतना सब होने के बाद वह लोगों के गुस्से को देखते हुए, वह लोगों की भावनाओं को समझते हुए, एक तो सबसे पहले व्हाट्सएप ने अपनी पूरी सफाई देने की कोशिश की है, वह उसके बाद उन्होंने यह फैसला किया है कि वह जो अपनी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी 2021 से लागू कर रहे थे उसे अभी 15 मई तक टाल दिया है। तब तक व्हाट्सएप यूज़र्स व्हाट्सएप को पहले की तरह ही लगातार यूज़ करते रह सकते हैं। कई लोगों का सवाल था, क्या सरकार ने भी व्हाट्सएप को लेकर कई तरह के नियम बना दिए हैं? क्या हमारे मैसेजेस पे कोई ब्लू कलर का टिक या रेड कलर का टिक या 3 टिक्स भी आ सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, सरकार ने अभी ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है। ये सारा कन्फ्यूजन, ये सारा इशू इसलिए क्रिएट हुआ था क्योंकि व्हाट्सएप कंपनी एक अपनी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आ रही थी, अभी इसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इसके बाद एक और सवाल आ रहा था कि क्या अब व्हाट्सएप को यूज़ करना सेफ है? तो इसका जवाब है कि देखिए, जब व्हाट्सएप ने कुछ अभी चेंज ही नहीं किया है, जब उन्होंने अपनी पॉलिसी को अभी टाल दिया है, तो सब कुछ पहले की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन इसे यूज़ करना ना करना लोगों की अपनी मर्जी होगी। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा है, जहां एक केस डाला गया था कि जो व्हाट्सएप कंपनी है उसे डायरेक्शन की जाए कि वह अपनी व्हाट्सएप पॉलिसी को ख़त्म कर दें या इसे सस्पेंड कर दें। तो हाईकोर्ट ने भी यही कहा है कि ये एक प्राइवेट ऐप है, ये लोगों की मर्जी है इसे यूज़ करें या ना करें, इसमें सरकार भी कोई किसी को परेशान नहीं कर सकती और ना ही कंपनी किसी के साथ धक्का कर सकती है कि आप हमारी एप्लीकेशन यूज़ कीजिए, ये टोटली लोगों की मर्जी है। अगर जनता को लगता है कि यह उनके लिए सेफ़ है तो वह यूज़ कर सकते हैं और अगर नहीं तो वह किसी और एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इस सारे एपिसोड को देखते हुए एक चीज़ क्लियर होती है कि यह सारा मुद्दा व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी 2021 को लेकर था, जो 8 फरवरी को कंपनी लागू करना चाह रही थी। लेकिन इसमें अगर लोगों को किसी भी तरह का संदेह है कि उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिस्क पे है, तो यह लोगों की मर्जी है कि वह व्हाट्सएप यूज़ करें या ना करें। और हम आशा करते हैं कि व्हाट्सएप कंपनी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जो जनता विरोधी होगा और जिससे कंपनी को भी नुकसान हो। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आने वाले दिनों में भी हम आपके लिए ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए एडवोकेट अमित पुरी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।
कोरोना के इस दौर में जहां अपने बिजनेस के ऐड के साधन कम हो गए हैं, वहीं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए न्यूज 89 पंजाब आपके लिए लाया है सोशल मीडिया पर सबसे कम कीमत पर ऐड। जी हां, आज ही न्यूज 89 पंजाब न्यूज चैनल पर सिर्फ 2500 रुपए महीने पर अपनी ऐड बुक करवाएं और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। आज ही संपर्क करें 9317500009 या 8115000006 पर। पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के वाइस चेयरमैन श्री जगदीश कुमार जग्गा जी दे नाल जुड़न लई 9901079000 नंबर ते मिस कॉल करो जा एना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मा ते फॉलो करो।